हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। दोस्तों, आप लोगों के बीच में ढेर सारे हम ऐसे वीडियो लेकर आए जिससे नए पुराने भोजपुरी सिंगर जो है कुछ लाभ उठा पाएँ और कुछ मतलब सीखें। तो दोस्तों, अभी तक हम दिल्ली से मतलब ढेर सारे वीडियो आपके पास पहुंचा, लेकिन अब हम निकल चुके हैं अपने शूटिंग पे। ढेर सारे शूटिंग अपने यूपी में था इस टाइम, जो है गोंडा बलरामपुर में, और फिर कुछ बस्ती, कुछ बनारस, कुछ जो है गोरखपुर में चलता रहता हूँ। तो अपने क्षेत्र के जो पुराने सिंगर हैं, बहुत ढेर सारे सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं जो भोजपुरी के, वो कमेंट करते रहते थे कि गांव पे काम करने से मतलब कैसे सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। तो मैं अपने ढेर सारे वीडियो में बता भी चुका हूँ कि मतलब गांव से वीडियो करने या ऑडियो करने में क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है। लेकिन नए सिंगरों को ज़्यादातर, और पुराने सिंगर भी अगर हैं काम करना चाह रहे हैं गांव से भी, तो उनको ये मान के चलिए कि मतलब एक एक्सपीरियंस उनको मिल जाता है उन स्टूडियो से, यानी कि गांव के स्टूडियो से उनको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है आगे काम करने के लिए। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप जो है दिल्ली से काम करते हैं, आप बढ़िया स्टूडियो से पहले आप अपने गाँव से जो है रिकॉर्डिंग करा लें, उसके बाद फिर जो है कुछ दिन तक करने के बाद, ट्राई करने के बाद अगर आपके पास क्षमता है तो फिर आप दिल्ली आइए अगर ढंग से काम करना है। तो दोस्तों, आज हम छोटे छोटे स्टूडियो जो अपने संपर्क में हैं, छोटे छोटे क्षेत्रीय कलाकार हैं, और उन लोगों से मिला और ढेर सारे लोगों ने मतलब कुछ राय, अपना जो है राय शेयर किया हमारे साथ, कुछ हमसे पूछे, कुछ बताए, और कुछ हम भी सीखे इनसे। और अब आज जो है मेरा एक डॉक्यूमेंट्री शूट होगा, मतलब एक नहीं कई डॉक्यूमेंट्री शूट होंगे, जबकि हम ढेर सारे वीडियो में ये भी बता चुके हैं कि अपने आप को पॉपुलर करने के लिए या अपने आप को पब्लिक के बीच में लाने के लिए ढंग से काम करें, और अगर आपके पास ज़्यादा पेमेंट नहीं तो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाकर जो है आप फेमस हो सकते हैं। उससे आपको लाभ होगा जब आपके गाने रिकॉर्ड होंगे और मार्केट में लॉन्च होगा, तब भी आपको जो है इस पब्लिक कैपेसिटी का फ़ायदा मिलेगा, जो आपको डॉक्यूमेंट्री और छोटे छोटे फिल्मों में काम करने से जो पब्लिक कैपेसिटी मिलेगा वो आपके गानों में भी ये काम करेगा, क्योंकि लोग आपको पहचान लेंगे। जब पहचान लेंगे तो आप अच्छा बुरा कुछ भी करेंगे तो एक बार तो लोगों की नज़र में आ ही जाएगा। तो हम आपको आज शूटिंग अपना दिखाएंगे, अगले वीडियो में दिखाएंगे या इसी वीडियो में एडजस्ट करेंगे, जहां पर हम अपने ढेर सारे सिंगरों के साथ, ढेर सारे कलाकारों के साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्में शूट करेंगे, जो छोटे छोटे फिल्में होती हैं, कॉमेडी फिल्म हुआ, ये सब आज शूट करेंगे, ताकि जो है लोगों के बीच में हम लोग अच्छी तरह से मतलब अच्छी तरीके से पहुँच सकें। तो दोस्तों, फिर हम आज का जो वीडियो हमारा शूट होगा, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे शूट किया, कैसे कैसे ढेर सारे सिंगरों को इकट्ठा करके, ढेर सारे कलाकारों को इकट्ठा करके, फिर अपना काम करके जो है एक पब्लिक कैपेसिटी इकट्ठा करने की कोशिश की, और साथ साथ में जो है रिकॉर्डिंग का भी काम करता रहता, वीडियो शूटिंग भी करता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।